नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी। आज हम आपको देश में हो रहे सड़क हादसों की कुछ खबरें दिखाने वाले हैं। ये बेहद भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी तक हुए हैं। इन हादसों की खबर देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सड़क पर असावधानी या ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी कैसे जान पर भारी पड़ती है। और इसमें सिर्फ गलती करने वाले की जान नहीं जाती, बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। आपको दिखाते हैं कुछ रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये इंदौर में हुए हादसे की तस्वीर है। कार इतनी तेजी से ट्रक और टैंकर के बीच जा घुसती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो पता चलता है कि सामने चल रही कार से साइड लेने के चक्कर में स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े ट्रक और टैंकर के बीच घुस गई। और इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयानक था। पुलिस पहुंची तो कार में सवार दो लोग कार की बोनट पर पड़े हुए थे। किसी का सिर कटकर अलग हो गया था, किसी का हाथ अलग पड़ा था, कार का अगला हिस्सा पीछे जाकर चिपक चुका था। घटना रात करीब 1 बजे की थी। देवास से आने वाली सड़क पर निरंजनपुर चौराहे के पास यह हादसा हुआ था। मौके पर सबसे पहले पहुंचने वालों में सिपाही सुरेंद्र यादव थे। वहाँ पर एक रितेश पाल था, उससे संपर्क करा, बोला कि भैया चादरें लेके आओ। गाड़ी से मतलब निकाला उनको कटर के लिए, बीट को भाइयों को रवाना करा। वो कटर लेके आए, कटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इससे पहले हमने उनको निकाल लिया। गाड़ी के अंदर 4 थे, 2 को पहले भेज दिया था हॉस्पिटल के अंदर, जो बाद में पता चला कि उनका भी। दरअसल टक्कर बेहद भयानक थी। पता चला कि कार के एयरबैग भी खुले थे लेकिन किसी की जान नहीं बच सकी। जानकारी मिली कि अभी एक स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे, रात करीब 1:45 की घटना हुई। और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप पे तराली के पास में, MP09GA 2499, उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से। और जो भी 6 लोग थे उसमें, सबकी डेथ हो गई है। सुबह होते होते घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार हटा ली गई थी, लेकिन हादसे वाली जगह पर कार का पुर्जा बिखरा दिख रहा था। खून से सड़क लाल पड़ी थी। मौका मुआयना के लिए ट्रैफिक पुलिस और अधिकारियों से लेकर RTO तक मौके पर पहुंचे थे। इस पे हमने मुकदमा कायम कर लिया है और जो संबंधित ड्राइवर है उसको पुलिस ने राउंड अप किया है। बाकी अब हम लोग जो है ये भी करवा रहे हैं कि जहाँ पे भी इस तरह से ट्रक ड्राइवर अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई करेंगे और उस पे सख्त कार्रवाई होगी। मृतकों में इंदौर के भाग्यश्री कॉलोनी के 2 लड़के, मालवीय नगर इलाके के 3 लड़के और एक लड़का आदर्श मेघदूत नगर का था। सबकी उम्र 19 से 30 साल के बीच थी। बिहार के NH 31 की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक्सीडेंट कितना दर्दनाक रहा होगा। सड़क हादसे की ये तस्वीरें हैं बिहार के कटिहार की, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर रास्ते में खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे की इन तस्वीरों को देखिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक थी। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर ही काफी देर तक फंसी रही, जिसके बाद में पुलिस ने JCB की मदद से ट्रक से अलग किया। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 की मौत मौके पर ही हो गई थी। अभी तक जो भी घटना घट रही है उसका मुख्य कारण तेजी और लापरवाही। ड्राइवर जो है वो आपको समझ में नहीं लगता है जो उसको किया है, जान जोखिम में डाल के लोग चलाता है। जो उसमें बैठे पैसेंजर रहते हैं उनको भी चाहिए ड्राइवर को नियंत्रण में रखें और इस उतना स्पीड नहीं चलावें, खास करके 4 लेन वगैरह में, चूँकि अलग अलग लाइन है उसमें दुर्घटना कम होती है। 2 लेन जो है उसमें आमने सामने गाड़ी आती रहती है और इसमें अधिक दुर्घटना हो रही है। पुलिस के अनुसार गाड़ी में सवार ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे और ये सभी 10 लोग शादी के लिए लड़का देखने गए थे और लड़की देखकर अपने घर लौट रहे थे कि कुरसेला थाना क्षेत्र के पास बने पुल पर यह हादसा हो गया। घायलों में 3 लोगों की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। एक्सीडेंट के बाद पुल पर कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हटाया।
कटिहार में हुए इस सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। घुप अंधेरा था, ट्रक में लगी आग से भयानक धुआं उठ रहा था। फायर ब्रिगेड के लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग मौके पर थे जो घटना का वीडियो बना रहे थे। लुधियाना से 40 किलोमीटर दूर ये जगराव का इलाका था। यहाँ दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई थी और एक ट्रक में ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंस गया था। दूसरे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने उसे बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का पैर ट्रक में फंसा हुआ था, उसे बचाया नहीं जा सका। एक्सीडेंट होया जी, जदों असीं रोटी खाण आए सी, कार आई आ, कार निकल गई आ, ते दोने गड्डियां पड़तीआं। चश्मदीत ने बताया कि एक ट्रक पर टाइल्स लदी थी और दूसरे पर रेत। रात करीब 10 बजे दोनों ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई थी, जिसके बाद एक ट्रक में आग लग गई थी। पहला सानू इनफॉरमेशन मिली सी फोन ते भी सिद्धवा रोड ते दो गड्डियां दा एक्सीडेंट हो गया अगला सी। अपनी फोर्स जिहड़ी उहनां नूं लिआंदी, जदों मौके ते आया सां ते उदों लोक जिहड़े सी काफी अग मची होई सी, लोक ते फायर ब्रिगेड जिहड़ी सी उह वी आ गई सी, अग बुझा रहे सी। किसी तरह फायर ब्रिगेड वालों ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने ही जलते हुए ट्रक में से ड्राइवर का शव बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर एक कार वाले को बचाने के चक्कर में दूसरे ट्रक से जा भिड़ा था। पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क के किनारे पलटे इस ट्रक और लोगों की भीड़ को देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां बालू से भरा एक ट्रक जा रहा था और सामने से अनियंत्रित बोलेरो आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक ने अपने ट्रक से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर एक बाइक को टक्कर मारता हुआ पलट गया। आज प्रातः मड़ियाऊ थाना अंतर्गत रामदयालगंज के पास में एक मोहरम का से लदा हुआ ट्रक पलट गया था, जिसमें कोई 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से अस्पताल में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक महिला को भी चोट है, उसको ट्रामा सेंटर बनारस रेफर कर दिया गया, जिसका भी इलाज चल रहा है। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार काफी दूर जा गिरा। साथ ही साथ ट्रक पलटने की वजह से सड़क किनारे चल रहे कुछ राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने रास्ते से बालू और ट्रक को हटवाया, जिसके बाद दोबारा से यातायात शुरू हो पाया। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क हादसों की खबरें आपने देखी। शायद आपको पता ना हो कि हमारे देश में 17 सड़क हादसे हर घंटे होते हैं और साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, इसलिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अब हम आपको देश के 2 राज्यों में हुई 2 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसमें से एक गुजरात के भरूच में हुआ हादसा है, जहां बंद केमिकल प्लांट के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 10 से 20 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी, धरती तक हिल गई, इसमें 21 लोग जख्मी हुए। दूसरे धमाके वाला एक हादसा कर्नाटक के चिकबलापुर में हुआ है, जहां अवैध जेलेटिन की छड़े छिपाने जा रहे 6 लोग धमाके में मारे गए। इन दोनों हादसों में भी शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि लापरवाही जान पर भारी पड़ी है। तो आप देखिए पहले गुजरात के भरूच में क्या हुआ था। रात के 2 बज रहे थे और भरूच के आसमान में लपटे उठ रही थी। सैकड़ों मीटर दूर से लोग इस भयानक हादसे का वीडियो बना रहे थे। कोई छत से खड़ा होकर प्लांट में उठते शोले देख रहा था, तो कोई सड़क पर रुककर भयानक आग को कैमरों में कैद कर रहा था। यह हादसा भरूच जिले के झगड़िया इलाके में हुआ था, जहां केमिकल कंपनी में एक भयानक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें लोगों ने मोबाइल में कैद कर ली। बताया जा रहा है कि यह हादसा कंपनी के CM प्लांट में हुआ था।
धमाके के बाद आसपास के गांव की धरती हिल गई, लोग अपने घरों से निकल गए। इधर प्लांट में लगी आग को बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग जब भड़की थी तो भयानक थी। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और करीब 4:30 बजे की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, दुर्भाग्यवश तड़के हमारी झगड़िया यूनिट के एक बंद प्लांट में आग लग गई। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम और स्थानीय फायर ब्रिगेड ने पहले ही आग को काबू में कर लिया है। 21 लोगों को स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया और 13 को पहले ही मामूली उपचार दिया गया। किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लगा है कि ब्लास्ट हुआ कैसे। इससे पहले पिछले साल जून में भरूच में ही एक दूसरी केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ था और उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। ये शख्स चश्मदीद है उस हादसे का, जिसके कारण इसके शरीर पर सैकड़ों जख्म है। पूरा शरीर खून से लथपथ है। घटना के बारे में शुरुआती जानकारी देता ये शख्स बता रहा है कि कैसे रात में जिलेटिन की छड़ों में धमाका हो गया और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पूरी कहानी का पता चला। ये सुनसान वीरान सा जो इलाका आप देख रही है, इसी इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ कि 6 लोग देखते ही देखते जान गंवा बैठे। धमाके के बाद हालात ये थे कि लोगों के शव काफी दूर तक बिखरे हुए मिले थे। हादसा इतना भयानक और संगीन था कि रात में ही पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। सुबह होते होते इलाके के अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक और राज्य के मंत्री तक ने घटनास्थल का दौरा किया। कर्नाटक में चिकबल्लापुर का ये वैसा इलाका है जहां अवैध रूप से पत्थरों की खनन और कारोबार होता है। खबर है कि इस हादसे में मारे गए लोग भी अवैध रूप से जिलेटिन की छड़े लेकर एक ट्रक में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पत्थरों के अवैध कारोबार से जुड़े लोग जिलेटिन की छड़े छिपाने जा रहे थे। इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी है और मारे गए लोगों में एक शख्स नेपाल का भी बताया जा रहा है। It is due to major explosion. Because of that, it happened. Already our district administrator, DC, SP, and our department, all seniors, already they are in the site. मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.